किसानों के दिल्ली कूच को लेकर एक बार फिर से मामला गर्माता जा रहा है। दरअसल हाल ही में कोर्ट ने शंभू बॉर्डर से बैरिगेटिंग हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से दिल्ली कूच का मुद्दा गर्माता जा रहा है। इसी को लेकर हरियाणा सरकार ने किसानों से बातचीत करने का फैसला लिया। बीते 21 जून को हरियाणा सरकार और किसान संगठनों के बीच मीटिंग हुई। इस मीटिंग में किसानों और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक पॉजिटिव रूप में हुई। किसानों ने सरकार के सामने करीब 32 मांगों को सामने रखा, जिसमें लंबित बिजली कनेक्शन, कर्ज माफी, MSP समेत कई मुद्दे शामिल रहे। बैठक में सबसे अहम मुद्दा फसल खराब पर रहा, जिसमें किसानों ने मुआवजा नहीं मिलने को लेकर अपनी डिमांड रखी है। बता दें कि इस मीटिंग के बाद किसानों ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार को 15 अगस्त तक का समय दिया है। साथ ही किसानों की ओर से सरकार को ऐसा अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो किसानों की ओर से आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन इस मीटिंग में गौर करने वाली बात यह है कि सरकार और किसान के बीच दिल्ली कूच को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। हरियाणा में कुछ ही महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी दलों की तैयारियां तेज हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किसानों के साथ जो सरकार की बातचीत हुई है उस पर सरकार कितना अमल होती है। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर हरियाणा सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो क्या किसान सच में आंदोलन की रणनीति तैयार करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। खैर, ये तो चुनाव के नतीजों में पता चल ही जाएगा। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।